बारह ज्योतिर्लिंग में तिथि नंबर पर महाकालेश्वर भगवान विराजित थे। बारह ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है। बारह ज्योतिर्लिंग में केवल महाकाली ऐसा एक मंदिर है जहां पर शिव नवरात्रि मनाने की परंपरा है। उज्जैन में 29 फरवरी से शिवरात्रि चालू हो जाएगी, जिसे शिव नवरात्रि कहा जाता है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन शिवरात्रि के 9 दिन जो महाकाल में बनते हैं, जिसे महाशिवरात्रि पर्व के रूप में बनाया जाता है, हर दिन का अलग महत्व रहता है। भगवान महाकाल दक्षिणमुखी होने के कारण यहाँ की मान्यता और बढ़ जाती है। 29 फरवरी से बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में पूजा जाएगा। अलग अलग श्रृंगार होंगे। महाकाल मंदिर के पंडित बता रहे हैं श्रृंगार व महत्व। देखिए, भगवान महाकालेश्वर जो है, इनकी जो चल मूर्तियाँ हैं, जिस प्रकार से उन मूर्तियों को श्रावण मास में भी सवारियों में निकाला जाता है, और शिवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इसमें अलग अलग प्रतिमा भगवान के ऊपर धारण कराते हैं, जिससे कि भक्त उन प्रतिमाओं का दर्शन लाभ ले सके। नवरात्रि पर्व बड़े धूम से मनाते हैं। पंचमी से ये पर्व प्रारंभ होता है। पंचमी के शुरू दिन इसमें ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की प्रारंभता होती है, और वो अभिषेक से प्रारंभ होता है। यहाँ कोटि तीर्थ पर जो कोटि तीर्थ के नाम से जो भगवान हैं, उनका पूजन, अभिषेक, और अभिषेक पूजन के बाद में वीरभद्र की पूजन, और फिर भगवान महाकालेश्वर की पूजन, पंचामृत पूजन के साथ लघुरुद्र होता है जो 11 ब्राह्मण प्रतिदिन करते हैं। ऐसे 9 दिन अभिषेक प्रारंभ होता है, और ये प्रथम दिन का जो उत्सव है, ये इस तरीके से प्रारंभ होता है। सांध्य काल जब होता है तो भगवान को श्रृंगार किया जाता है। मंदिर गर्भगृह जो होता है, फूलों से सजाते हैं, पूरा फूल मंडली के रूप में उसके फूलों से सा मंदिर को फूलमय कर दिया जाता है। साथ ही भगवान को भी चंदन का श्रृंगार, चंदन के श्रृंगार के साथ में भगवान को पीताम्बर पहनाए जाते हैं, दुशाले उड़ाए जाते हैं, जलाधारी होती है उसमें बागम्बर और जलाधारी जो पहनाई जाती है, मेखला पहनाई जाती है। इस प्रकार से वस्त्र धारण करा के भगवान का एक स्वरूप बनाया जाता है, और उस स्वरूप का दर्शन भगवान भक्त लोग लेते हैं। ये पंचमी के दिन होता है, और उस दिन साधारण श्रृंगार के रूप में सजाया जाता है।